हाँ भाई वीर, और तिहाड़ी जी कैसे हो? अरे एकदम ठीक है भैया। कैसे हो यार आप? अरे अरे मजा अरे भैया, आज तो आ बड़े गया मजा एनर्जेटिक लग रहे हो भैया, आ गजब। गया। आज अच्छा क्या बात भैया, तिहाड़ी पार्ले जी का बिस्किट खा के आए हैं का? हाँ, सुनो बहुत ना, अरे ग्लूकोज पी के आया हूँ मैं। बढ़िया आवाज अच्छा सुनो ना तिहाड़ी जी, रहा है। अरे अरे यार, मैं इनका क्या है, तो मैं तो लिख तो दिया हूँ कि वॉल्यूम बहुत नेट कम ज्यादा है है, भाई, ठीक है ना? बीच में वॉल्यूम कट सकता है, मैं बहुत फिर से डिबेट के लिए आऊंगा, ठीक है? अच्छा नेट जी, कम मेरा वॉल्यूम थोड़ा है कम है भैया। इसलिए बीच में कट सकता है, उस बार भी ऐसी हुआ था, नहीं तो पूरा रात भर पिलाई करता आपकी मैं। अरे ओ गजब भैया भैया, कैसा बात गजब करती है। चलो भैया बताओ बताओ फिर आज का अच्छा उस भैया। दिन का तो जवाब नहीं दे पाए, कोई भी इंस्क्रिप्शन दिखा नहीं पाए, पूरा चाट डाले थे ना इसीलिए कोई इंस्क्रिप्शन नहीं दिखा पाए। अब दूसरा क्वेश्चन, ठीक है बेटा? दूसरा आजाद सुनो ध्यान वॉल्यूम। से, दूसरा क्वेश्चन, ये हाँ काका बुद्ध बताओ। की हाँ जो अम्मा थी, बुद्ध युद्ध, की अम्मा, क्या अच्छा नाम था उसका, बुद्ध की अम्मा का, हाँ? बुद्ध की अम्मा का नाम क्या था, उसी के ऊपर क्वेश्चन था, उसका नाम क्या था, जल्दी बताओ। यहाँ क्या तो नाम था राम जी की अम्मा का बात हो रहा है भैया, कहाँ पहुंच गए आप यार? हैं? उनकी अम्मा का मैं सुन लिया हूँ, बुद्ध की अरे अम्मा का नाम बेबी क्या था, बियर क्वेश्चन पी उसी के के ऊपर है तिहाड़ी नाचे लैले, छम्मक छम्मक छम। वीर जी। भैया, यहाँ तो राम जी के बारे में कैसन कैसन बात करे हैं ये लड़का लोगन। तिहाड़ी जी देखो ये बोल रहे हैं क्या टॉपिक रख मारे भैया, वनवास में राम जी के साथ वैश्या लोगन गए रहीस भैया। ओ हो, ये कहाँ से वो आ हम गए सुन लिए भैया, हैं, वो सुन लिए हैं। अब कैसे? तिहाड़ी इसके जी थोड़ा बारे सा में उनकी थोड़ा माँ का बता नाम देना बताइए ना, भैया। आजा बुद्ध थोड़ा की माँ का वॉल्यूम नाम वाह क्लिक बताइए कर ना, जल्दी डाउन से, कर मेरा दो भैया। क्वेश्चन है। अरे पहले ये इतना आज रहने के दो जो सर, आज का जो टॉपिक वहां पे तिहाड़ी तो जी रख सुनिए ना, लेंगे। नहीं सुनिए ना, चलो चलो क्वेश्चन रहा सुनिए, चलो भैया, इधर उधर नहीं जाएंगे ना, तिहाड़ी जी टॉपिक क्वेश्चन सुनिए। से इधर उधर नहीं जाएंगे भैया। नहीं, जल्दी से मेरा बता टॉपिक दे, ये सुनिए राम जी तिहाड़ी के जी, संग वैश्या लोगन तिहाड़ी कहाँ जी चले मेरा मेरा गए रहीस? क्वेश्चन सुनिए, भाग अरे रहे हैं तिहाड़ी जी, देखो देखो देखो, भैया, ब्राह्मणों की राम बदनामी जी कर रहे खोपचे हो में ले जाके क्या कर रहे थे भैया वैश्य लोगन के? तिहाड़ी हैं, जी, तिहाड़ी जी हमको तो ब्राह्मणों की पता बदनामी कर चला रहे कि वो हो तो आप। जंगल की तरफ गए, लेकिन वहां तो जंगल में मंगल हुआ रहे भैया। तिहाड़ी अरे तिहाड़ी आप मेरा बात नहीं सुन रहे, मेरा क्वेश्चन नहीं सुन रहे तिहाड़ी, देखो डिबेट भैया, कैसे ये वाले करेंगे? पे थोड़ा बता देना है, नहीं बता दो तिहाड़ी, भैया। पहले मेरा हमारा प्रश्न सुनिए, हमारा प्रश्न ये सुनिए तिहाड़ी, आज आज तक आज मैं ये जो प्रोग्राम देख टॉपिक है लिया, अब भैया, इसको हमारा थोड़ा बात तो प्रश्न है। कर लो भैया, बात कर लो, मेरा नानकुन अच्छा भैया ये कर लो बताइए बात, तिहाड़ी बउआ मेरा कर लो जी, इस पे बुद्ध, बात भैया जी। हाँ अब प्रश्न सुनिए थोड़ा सा, नहीं भैया, पहले ये बुद्ध राम की जी के अम्मा संग जो ने, वैश्या लोगन सुनिए गए सुनिए रही, तो सुनिए इसका क्या करें भैया, पहले इसका बता दो। हाँ, तिहाड़ी जी खबर सुनिए खबर करके सुनिए, सीता जी इतना इतना चिढ़ गई सीता जी, राम लखन के दे तिहाड़ी जी जुतियाई आप मेरे रहे क्वेश्चन क्यों कर भैया, रहे वहीं हैं पे जुतियाए रहे राम तिहाड़ी लखन जी? के। कैसे तुम लोग जंगल में मंगल करे आए हो मैं का? जितिया दूंगा इस हाँ बार, आप मेरा बात नहीं सुन रहे हो, जितिया दूंगा यार, आप आपको, पहले ये मेरा वाला का क्वेश्चन तो बता सुनिए, दो भैया, भैया बता दो थोड़ा मैं थोड़ा जितिया इसको ही दूंगा बता दो आपको, आप मेरा प्रश्न नहीं सुन रहे हैं, प्रश्न नहीं सुन रहे हैं आप भैया। मेरा, मेरा कैसा बात प्रश्न कर रहे हो उत्तर भैया, सुनिए ये तो बता दो, राम जी के संग वैश्य तिहाड़ी लोगन का करे गए भैया? जी, हम मेरा तो सुने प्रश्न राम जी सुनिए। जंगल गए, लेकिन राम जी तो जंगल में जाकर ठुमक ठुमक मुजरा देखे रहे भैया, उसका तो कुछ बता बुद्ध नहीं रहे की अम्मा हो के ऊपर कैसे हाथी आया, बुद्ध की अम्मा के यार। ऊपर ये हाथी तो कैसे आया, आजाद मेरे को भैया, ये तो बताइए, टॉपिक पे बात ही नहीं बुद्ध करते हैं यार, की है अम्मा के क्या ऊपर हाथी भैया? कैसे आया, ये तो टॉपिक पे बात ही इसके नहीं बारे में भी करते हैं। थोड़ा बात देखो कीजिए यार, टॉपिक ये पे बात वाले नहीं करोगे यार तिहाड़ी तो भी मैं जी। हटा दूंगा फिर यार आप। ए भैया कहा यार, झारवी अरविंद जी जी, बीच में मत आइए, तिहाड़ी और हारवीर मेरे जी, बीच का मामला है ये, अरे झारवी जी भैया बीच में मत कैसे कर आइए रहे हो आप, तो टॉपिक पे झारवी बात जी, ही नहीं करते भैया। बात हाँ, ही नहीं करोगे तो मेरा क्या टॉपिक करेंगे सही है, यार मेरा भैया, टॉपिक सही है, राम जी जवाब तो तो उधर दो ना तिहाड़ी अनारकली के संग में क्या कर रहे भैया, उस पे तो तिहाड़ी बता जी, नहीं रहे हो मेरा टॉपिक है? सही है, अरे भैया, आप जो जवाब आज का दीजिए, टॉपिक है उस पे तो बात बुद्ध कर लो ना के थोड़ा अम्मा सा के पहले ऊपर इस पे। हाथी अच्छा कैसे सुनो, आया? हम आपके टॉपिक पे करेंगे बात, लेकिन ये वाला थोड़ा बता दो भैया इसका,
इसको बता पहले देना भैया जी, हमें क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर भैया जी आपको थोड़ा जी बता दो भरती मेरा लेखन यार, यार कला आजाद पे भैया है तो टॉपिक पे बात ही नहीं पहले करेंगे, ये तो पहले अपना ही हमें टॉपिक टॉपिक का ला इसका लिए आंसर यार। दीजिए। तो चलो फिर यार, मैं आपको हटा दूंगा यार। देखो, आप हाँ कोई भी टॉपिक जवाब पे नहीं नहीं। दोगे तो फिर कोई फायदा नहीं आपको यहाँ पे यार। हम आपको बोले यार, आप कहाँ से टॉपिक, जो टॉपिक ही नहीं है, आप उस पर घुसे जा रहे हैं। आप आज राम के ऊपर स्ट्रीम हुई है, आप वाल्मीकि रामायण पर स्ट्रीम हुई है, तो आप वाल्मीकि रामायण पर बात करो ना भाई। अरे अगर हवा के पीछे हम जिस दिन राम बुद्ध जी भी अनारकली के संग में पकड़ दिए भैया, तो जुतियाए दिए गए भैया सीता मैया से। यार ये वाले टॉपिक पे तो बात ही नहीं करे हैं, ये कैसे करते हैं अरविंद भैया। चलो यही तो मैं कह रहा भैया हूं यार। नहीं बात चलो करेंगे। यार, अनम्यूट करके अगर आप जवाब देना चाहो जो पूछा गया आपसे आज, कि राम जी के साथ ये वैश्यन लोग क्यों भेजा गया था, अगर इस पर आपके पास कोई जस्टिफिकेशन है तो दें, अदरवाइज गुड बाय। फिर अनम्यूट कर लो वीर जी, इतना तो सिखाया होगा शायद आपके एडवांस तिहाड़ी जी, पूर्वजों। बताओ भैया। तिहाड़ी जी, हम जो प्रोग्राम चला रहे हो, हम तो बोल रहे हैं ना, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है हमको, हम एक्सेप्ट कर लिए जो बोला। अब हम जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसका आंसर दो। अच्छा सुनो भैया, राम जी नहीं, अनारकली के संग में आप बेबी नहीं पूछ रहे बियर हैं पी के तिहाड़ी जी। नाचे लैले, थम्मक थम्मक थम करे रहे भैया, उस पे हाँ, तो थोड़ा बात पूरे कर लो पूरे पहले, पूरे जो भी वो है तो दिखा दो तिहाड़ी जी, आजाद आप भैया, पूरी आज पिलाई कर आज रही जो है, स्क्रीन वाला आपकी पूरी शेयर कर दो भैया, आजाद भैया आप ही कर दो, पिलाई आज तो कर कौन रही सा है स्क्रीन पे चलो भैया। तिहाड़ी जी। चलो मैं हम शेयर हमारे कर देता क्वेश्चन हूँ का भाई, आप आंसर कर नहीं दो दे रहे हो भैया, तिहाड़ी हम भी तो जी। थोड़ा देख ले राम जी कैसे गए अनारकली के संग अच्छा देखो और देखो, घोड़ा पहले ऊपर देखो, बैठ के पहले हिन 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 देखो हिन 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 कर। भैया, पहले तो ये देख लो, रूप जीबा, रूप जीबा अमीर व बेहद सुंदर वैश्या जो धनवानों को भी नीचे दिखाने की हिम्मत रखती थी, यानी ये वैश्याओं की ये पद हैं, ठीक है। इतने पद होते थे, वैश्याओं को पदों से नवाजा जाता था क्योंकि वैश्याओं को बड़ा पूजनीय स्थान है। अब ये देखें भैया, यहाँ पर लिखा है श्रीमद वाल्मीकि रामायण, और ये 338 पेज है यानी 36 सर्ग है। यहाँ पर ये राजा दशरथ का श्री राम के साथ सेना और खजाना भेजने का आदेश है, तो ये राम वनवास की यहाँ पर कहानी है। और देखें यहाँ पर दूसरे श्लोक से, दूसरे श्लोक में दशरथ कहते हैं, सूत तुम शीघ्र ही रत्नों से भरी पूरी चतुरंगणी सेना को श्री राम के पीछे पीछे जाने की आज्ञा दो। तीसरे श्लोक में ये बोलते हैं, रूप से अजीब का चलाने वाली और सरस वचन बोलने वाली स्त्रियां तथा माधनी एवं विक्रय योग्य द्रव्यों का प्रसारण करने में कुशल वैश्य राजकुमार श्री राम की सेना में सुशोभित करें। और देखिए ये सब यहाँ पर मूल श्लोक है, अनुवाद अगर आप गलत भी कहते हो ना तो ये लिखा है रूप जीवास्त, यानी रूप जीवा यहाँ पर शब्द आया, और यहाँ पर क्लियर भी लिखा है रूप से अजीब का चलाने वाली और सरस वचन बोलने वाली स्त्रियां। तो भैया रूप से अजीब का चलाने वाले का मतलब तो हर कोई जानते ही है कि रूप से अजीब का यानी जो वैश्या हो वही रूप से अजीब का चलाती। तो अब बताओ भैया, ये राम के साथ ये स्त्रियां भेजने का क्या मतलब है, बताओ वीर जी। बोल रहा हूँ, हमको तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जो बोल रहे हो सही बोल रहे हो, हमको कोई सही ऑब्जेक्शन नहीं बोल है, रहे ठीक हैं, है। मतलब हम तो राम इसलिए जी बोल क्या रहे हो भैया, बसंती नचा रहे थे का भैया जंगल में आ? भैया उनके बताओ ऊपर ये कैसे क्या हाथी आया, पहले वो बताइए कैसे हाथी आया उड़ते बता हुए। थोड़ा भैया, हाँ भैया जन्म के ये बारे तो में बता बताइए दो। ना। हम तो अच्छा राम सुनो जी का जन्म भैया, जो बताया उसको एक्सेप्ट कर लिया मैं कर एक्सेप्ट। लिया अब जो हम तो पूछ रहे हैं उसको नहीं तो बताओ। फिर तो राम ये को भी बचा था एक्सेप्ट पुरुषोत्तम क्यों करो बोला ना, जाए। हमरा देखो हाँ फिर देखो ये देखो एक्सेप्ट तिहाड़ी करो जी, ना मैं भैया कि आपको राम बोल जी रहा अनारकली को देखिए तिहाड़ी नचाए रहे भैया जंगल में, जी, ये तिहाड़ी जी भी आप मेरी एक्सेप्ट बात नहीं करो सुन ना रहे हो। भैया। तिहाड़ी जी, अच्छा ये आप मेरे एक्सेप्ट कर सबसे लो सुने भैया, फिर हम आपके उस पर बात करेंगे। रहे हैं, चलो आप ये तो सुन एक्सेप्ट रहे कर ले अच्छे नहीं सुन भैया, रहे हो कर ले तिहाड़ी जी। भैया, तिहाड़ी जी आप कर नहीं ले सुन भैया। रहे हो मेरी बात, अरे बात मेरी भैया नहीं तो सुन ये रहे हो एक्सेप्ट तिहाड़ी तो जी। कर हम ले पहले, एक्सेप्ट तो हुआ कर उसके लिए ना, बाद जो बात को तुम बोल रहे हैं सुनवा। वो उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब हम जो पूछ रहे हैं उसको सुनो, मतलब राम हमारे जी पास एक एक मिनट तो रुको पैसा रुको नहीं रुको, ये रहता है, एक्सेप्ट आप कर रहे हो कि आपके जैसे राम हम जी पाखंड वहां से पे चोरी जंगल करने में वाले का अनारकली को ब्राह्मण डांस करा नहीं रहे है थे? एक मिनट सुनो ना, सुनो सुनो, इधर।
आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि राम जी अनारकली को जंगल में डांस करा रहे थे, कर रहे हो आप एक्सेप्ट? नहीं है, आपने जो ये नहीं नहीं पहले बोलो, नहीं 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 एक नहीं नहीं एक मिनट रुको, नहीं नहीं रुको, बोलो कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ राम जी डांस करा रहे थे, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जो भी कुछ भी। अरे ऑब्जेक्शन नहीं भैया, एक्सेप्ट तो करो कि राम जी जंगल में अनारकली को डांस करा रहे थे। यार हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, आपके प्रश्न का उत्तर भी हम देंगे भैया, सुनो सुनो भैया, हम अभी सब उत्तर देंगे, पहले ये बताओ आप एक्सेप्ट करे ना, उसके बाद हम आगे चलते हैं। कर लिए एक्सेप्ट? अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कर लिए कि नहीं? अरे करे, अरे करे कि नहीं एक्सेप्ट? कितने बार बोलूं, पगला गए हो क्या? ये राम ये आजादी है, ये एक्सेप्ट कर लिया ये टुन्नी कि राम जी जंगल में अनारकली को डांस करा रहे थे, ये एक्सेप्ट कर लिया भाई, मतलब आजकल हिस्टोरिकल स्ट्रीम हो गया भाई, आज हिस्टोरिकल स्ट्रीम हो गया यार, राम जी जंगल जाके अनारकली नचवा रहे थे, अनारकली डिस्को चली। अच्छा वो डिस्को गए थे, मतलब वनवास नहीं गए थे भैया, डिस्को चल दिए थे। देखिए देखिए अब मेरा जुबान इधर उधर और हो जाएगा, मेरे प्रश्न का आप जवाब नहीं दे रहे हैं। अरे जुबान अगर इधर उधर हुआ तो हम एक जगह एक देंगे भैया, अरे इतने थोड़ी ना होता है, जरा इधर उधर जैसे ही करे जुबान ना तो हम आठ देंगे, फिर हम राम जी और लक्ष्मण जी का भी डिस्को करा देंगे भैया, कर दो जुबान इधर उधर। तिहाड़ी बीमारी अब फैला रहे हो, देखो तिहाड़ी के नाम पे बीमारी मत फैलाइए आप, एक बीमारी तो भैया उधर जंगल में फैल गया, जब जंगल में मंगल हुआ राम जी जब डिस्को कराए बेबी बियर पी के नाचे लिए चमक चमक चमक, हाथी ने मंगल किया वो नहीं दिखाई दिया, हाथी ने किया वो मंगल। यार अभी तो आप बोले कि राम जी अनारकली को डिस्को कराने ले गए थे वहाँ, अभी तो आप बोले कि राम जी वहाँ पे बैठ के मुजरा देख रहे थे अनारकली का, अभी आप खुद बोले, मैं तो बोला ही नहीं, आपने खुद बोल दिया। हमको तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हम तो पहले बोल दिया। ये देखो हमारे हमारे क्राइम मास्टर गोगो बोल रहे हैं, राम जी बोले आई एम अ डिस्को डांसर। इधर मैं जूतिया ही दूंगा, अब देखो सुन नहीं रहे हो एक भी। अरे भैया जैसे ही, अरे भैया तुम जूता निकालोगे ना उधर हम राम जी को जुतियाना शुरू करेंगे, शंकर जी को जुतिया देंगे भैया, भैया जुतिया दिए जाएंगे तुम्हारे राम और शंकर, जरा भी कोशिश नहीं करना, नहीं तो यही आडी बना देंगे भैया, आडी वो बना के ना तुमको ही अनारकली बना देंगे, बनोगे अनारकली। यार आजाद मेरे ख्याल से ये इसका हो गया, चलो निचोड़ लिए हम शायद, इसके पास कुछ नहीं बचा है, टुन्नी के पास कुछ नहीं है, जा भैया ये सही, जा भैया निपट जाके जा।